गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा हाजिर है इस मंडे मोटिवेशन की मॉर्निंग सभा में टोरंटो से आपसे 12,000 किलोमीटर दूर आपके सामने हाजिर है आपका दोस्त राकेश। बहुत इंतजार होता है मंडे सुबह का दोस्तों आपसे कनेक्ट करने के लिए। यहाँ बहुत टाइम हो जाता है, अभी रात के 11 बज गए हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए इस मंडे के सुबह में बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। तो हमेशा की तरह, जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपका वीकेंड बहुत ही मौज मस्ती में आनंदमय तरीके से गुजरा होगा, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये मंडे मॉर्निंग सभा हिंदुस्तान के लिए या उस रीजन के लिए, और हमारी तो रात है यहाँ पे इधर इस हेमिस्फीयर में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, और वो टॉपिक करने से पहले मैं थैंक यू दे दूँ आप लोगों को कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, वीडियोस के लिए। एक वीडियो मैंने लास्ट वीक शेयर किया था जिसमें कि मैंने अपनी एक लाइफ की कहानी शेयर की थी 5 मिनट की, जो 10-11 साल में मेरे साथ हुई थी मेरे गांव जगना खेड़ा में, जो कि रायबरेली जिले में उत्तर प्रदेश में है, वो मैंने शेयर किया था। 8,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, बहुत खुशी हुई। तो चलिए आपका ये कीमती समय ज़्यादा और ना लेते हुए, क्योंकि मंडे की सुबह है और सभी लोग ऑफिस के लिए या एक नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, तो चलिए आपका ये दोस्त राकेश थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन ऐड करने की कोशिश करता है। और मोटिवेशन के लिए मनी इज़ आल्सो वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है आज के लाइफ का दोस्तों। तो चलिए हम आज बात करते हैं। टॉपिक दोस्तों आज का है कि आपने सुना होगा, स्पेशली हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन मुल्कों में ज़्यादातर ये बोला जाता है कि, फॉर दैट मैटर कहीं भी बोलते हैं लेकिन उन मुल्कों में ज़्यादा होता है कि अरे भाई जो अमीर है वो अमीर बनता चला जा रहा है और वो जो गरीब है गरीब बनता चला जा रहा है। तो अगर इंग्लिश में मैं बोलना चाहूँ तो लोग बोलते हैं कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है, बट नॉट रियली, नॉट रियली दोस्तों। आज के समय में इक्वेशन चेंज हो गया। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, नॉट रियली, 5 steps anybody can attract money। तो मैं आपको 5 step बताऊंगा, सिंपल स्टेप की anybody can attract money। दोस्तों आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, एक समय होता था कि जो बड़े बड़े बिजनेस के लोग होते थे, जिनकी अपनी फैक्ट्रीज होती थी, जिनके बहुत सारे एम्प्लॉयज होते थे, और वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे, फिर उसको डिलीवर करते थे। कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इतना मुश्किल होता था, तो सबके बस की बात नहीं थी कि आदमी कोई फैक्ट्री लगा सके या बहुत बड़ा कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सके, उसके लिए पैसे की जरूरत होती थी। लेकिन दोस्तों आज जिस समय हम जिस मुकाम पे हैं या जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, आपने देखा होगा और सुना होगा कि नए नए तरीके, अगर आपने सुना होगा ऊबर का, तो ऊबर ने क्या किया कि टैक्सी इंडस्ट्री को डिस्ट्रप्ट कर दिया, और आपको जान के खुशी होगी कि multi-billion dollar का ओनर है ऊबर का, जो भी ओनर है, लेकिन वो एक भी टैक्सी ओन नहीं करता दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम अरेबियन बी की बात करें, तो अरेबियन भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ने शुरू किया कि आज वो एक भी रियल एस्टेट और एक भी रूम ओन नहीं करते, लेकिन आज उनके पास जितने रूम है पूरी दुनिया में, वो अगर सारे होटल्स को कंबाइंड कर दें उनसे भी ज्यादा हैं। सो व्हाट दे आर यूजिंग अदर पीपल्स रिसोर्सेज, अदर पीपल्स रियल एस्टेट। सेम वे ऊबर ने क्या किया, हम और आपको उसने टैक्सी ड्राइवर बना दिया, हम और आपको मीन्स लोगों को टैक्सी ड्राइवर बना दिया, और दे डोंट ओन अ सिंगल टैक्सी। अगर आप इंडिया से सुन रहे हैं तो इंडिया में अगर देखा होगा आपने, अरेबियन बी स्टाइल में ही एक हमारे साउथ का यंग मैन, एंड ही स्टार्टेड दिस ओ वाई ओ एप ऑन योर ओन।
तो वो बेसिकली रूम्स हैं। आप पहले क्या होता था कि दिल्ली बॉम्बे जितनी बड़ी बड़ी मेट्रोज हैं, अगर आपको कोई रूम चाहिए तो कोई सोर सिफारिश पगड़ी कितना तामझाम होता था। लेकिन उसने वो ऐप लॉन्च किया एंड आई थिंक ही इज मोर देन $250 million यू नो वर्थ मैन इन स्पैन ऑफ कपल ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आज के समय में ना तो आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है, ना तो कोई एम्प्लॉयर हायर करने की जरूरत है। हमारे नॉर्थ अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है, बेसिकली बीइंग ग्लोबल, चाहे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, सेम चीज आप इंडिया पे भी कर सकते हो। अब जैसे अमेजॉन ने शुरू किया, किसी ने फ्लिपकार्ट शुरू किया, इस तरीके से आज कुछ भी हो सकता। मैं कहना दोस्तों ये चाह रहा हूँ कि आज की डेट पे जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है नॉर्थ अमेरिका का, वो आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अप टू $1 million यू नीड नॉट टू हायर अ सिंगल एम्प्लॉई, यू नीड नॉट टू हैव योर ऑफिस, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। द ओनली थिंग यू नीड जस्ट योर लैपटॉप एंड नाइस इंटरनेट कनेक्शन एंड दैट्स इट। आई एम गोइंग टू कम दोज फाइव स्टेप्स दैट एनीबॉडी कैन अट्रैक्ट मनी दोस्तों, ठीक है। तो बस आपके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसके लिए आपको लैपटॉप भी नहीं चाहिए, केवल फोन से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों कि वो जो समय था कि बोलते थे केवल पैसा को पैसा खींचता है, आज की डेट पे अगर हिंदुस्तान में देखें या उससे बाहर कई मुल्कों में देखें, तो अभी जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में नए नए करोड़पति, नए नए मिलियनेयर आपको मिलेंगे, जो फर्स्ट जनरेशन मिलियनेयर हैं, कि ना तो कोई उनकी इनहेरिटेंस है, ना तो उनके अपने पापा मम्मी से कोई बिजनेस का सबक मिला, उन्होंने अपने आप खुद बनाया दोस्तों। क्योंकि ये पावर है कनेक्टिविटी, पावर है इंटरनेट, पावर है सोशल मीडिया। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, आज आउट ऑफ 7.5 बिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन पीपल दे आर कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। एंड दोस्तों यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इजी टुडे टू रीच आउट टू द पीपल टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यस, तो आप आज ये कह सकते हैं कि कोई पैसा, क्या कहते हैं, पैसा को, जिनके पास पैसा है केवल उन्हीं के पास पैसा नहीं जा रहा, बल्कि कोई भी पैसे को अट्रैक्ट कर सकता है अगर ये आप 5 सिंपल स्टेप अप्लाई करें अपने ऊपर। दोस्तों आप बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे मेरे को, अरे कि राकेश जो बोल रहे हैं इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन क्या होता है कि हम सुनते तो सब कुछ हैं, जानते तो सब कुछ हैं, जिसको नहीं भी जानते हैं आप YouTube में सर्च डालें, Google में सर्च डालें और आपको इसकी इंक्वायरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि the main things responsible for is your action. All information, ideas, they are available for free, but when the implementation happen, when you take the actions. So, मेरा main मकसद होता है कि आपसे बात करके फोन पे कि action आप लो, and that's it. आज वो दिन नहीं रहा, अमेरिका में बहुत बड़ी डिबेट आज की डेट पे चल रही है कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेजा जाए कि भी नहीं आज के दिन में। क्योंकि दोस्तों आज क्या हो रहा है कि थिंग्स आर चेंजिंग। अगर आप अपने बच्चों के लिए पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, अगर आपको डिसाइडेड है कि उनको मेडिसिन में भेजना है या उनको लॉयर बनाना है या उनको डेंटिस्ट बनाना है या अकाउंटेंट बनाना, तब तो ठीक, अदरवाइज जस्ट फॉर सेक ऑफ गेटिंग डिग्री आई डोंट थिंक सो मेनी हार्वर्ड पीपल आर ड्रॉपिंग आउट। You know, you have heard Bill Gates, you have heard Mark Zuckerberg, there are many, so those are a few examples, but in general, even for that matter, agar aapko university ya degree leni bhi hai, to uske liye aapko koi nahi bana karta ki aap 12th standard se ya 10th standard se, you cannot own a business, you cannot launch your company or a product or a service online. Doston, chaliye, ye to ek raha overview ki aapko आज कैसे कोई भी पैसे को पैसा खींच सकता है, कोई भी पैसा अट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी रिच बन सकता है। अब हम आते हैं दोस्तों उन 5 स्टेप्स पे कि कौन से ऐसे 5 स्टेप लें कि कोई भी चाहे तो आप पैसे वाले बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए क्विकली हम उस पे आते हैं दोस्तों। तो जो हमारा पहला स्टेप है, बहुत ही केयरफुल ढंग से सुनिएगा, चाहे तो आप नोट कर लें या तो मेरे फेसबुक में ये आपको अवेलेबल रहेगा और आप कभी भी इसको सुन सकते हैं दोस्तों। तो पहला जो स्टेप है वो स्टेप है दैट रिव्यू योर स्किल्स।
So the first step to attract money, anybody can attract money, that sit down with the pad and pen and just review your skills. Har kisi ke paas, aap apni jindagi se, school se, college se, doston se, maa baap se, environment se, kuch na kuch skill aapke paas jaroor hain. Un skills ka ek data banaiye, unko point out kijiye. Iske jaise aapki cooking skill ho sakti hai, koi silai ki, bunai ki, teaching ki, kuch, you know, karne ki, कोई न कोई स्किल हो सकती है. आप किसान हैं, आपको खेती करने की स्किल हो सकती है, और आपको यू नो कोई चीज रिपेयर करने की स्किल हो सकती है, कोई चीज यू नो. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. फाइंड प्रॉब्लम इन योर लोकल, इन योर मोहल्ला, इन योर गांव, इन योर शहर, जहां पे भी आप कोई कुछ आपको पढ़ा सकते हैं, किसी को कोई किसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो टुडे द बिगेस्ट स्किल व्हिच इज गोइंग टू बी डिमांड, बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं तो उनको बताएं कि प्रॉब्लम सॉल्वर बने मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आपका बेटा है या बेटी है. पता करें कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, और सबसे अच्छा तरीका प्रॉब्लम पता करने का, आप अपनी प्रॉब्लम देखें, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे इस समय है कि जो आप जिसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. चांसेस हैं जो आपकी प्रॉब्लम है, बहुत सारे और लोग आपके कम्युनिटी में, आपके गांव में, शहर में होंगे जिनकी की वो प्रॉब्लम है. तो पहले आप अपनी प्रॉब्लम का, अगर आपको सोल्यूशन मिल गया है तो उसी प्रॉब्लम को आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं दोस्तों. तो कहना ये मैं चाह रहा था फर्स्ट स्टेप की, फाइंड स्किल्स, आपके पास कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो दूसरी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं. आप बोलेंगे अरे राकेश मुझे तो ऐसा लगता है कोई ऐसी मेरी स्किल है ही नहीं. तो दोस्तों क्या होता है कि प्रॉब्लम तो पता कर सकते हैं मार्केट में, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और अगर आप प्रॉब्लम नहीं पता कर सकते हैं तो उसके लिए भी सीधे गूगल में जाएं और डाल दें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम टीनेजर फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम ओल्ड एज फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम वुमेन फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम टीचर फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम विलेजर्स आर फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम फार्मर्स. थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम. अगर वो भी नहीं मालूम है तो सीधे गूगल में डाल दें कि व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व टू मेक मनी. दोस्तों आपके पास भंडार है प्रॉब्लम्स का मार्केट में. तो आप क्या करें कि जो प्रॉब्लम देखें कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कि आप सोल्यूशन ढूंढने में बहुत मजा आएगा, बेसिकली आपका पैशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो क्या करें आप कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढें, उसके लिए कोर्सेस कर सकते हैं. अब जैसे udemy.com है, udemy.com है, lynda.com है, बहुत सारे और ऐसी हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाके ऑनलाइन कोर्सेस कर सकते हैं दोस्तों. या तो क्या हुआ, चाहे आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं या जिन चीजों को आपको सीखने का शौक है या पैशन है, उनको आप सीख सकते हैं ऑनलाइन जाके थोड़े बहुत पैसे दे करके. तो ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपकी स्किल्स आपको मालूम चल गई, या तो पहले से थी, या हो सकता है कि उनको कुछ रिफाइन करना पड़ा, या हो सकता है कुछ नई चीजें उसमें डालनी पड़ेगी. नाउ यू आर रेडी विद सम स्किल्स, विद दैट यू कैन हेल्प समवन टू गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम. क्या आप अपनी जो स्किल सेट है, आपके अंदर जो चीज है, उससे आप दोस्तों को, जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मम्मी गांव में, तो मम्मी क्या करती थी, गांव की लड़कियां होती तो उनको स्वेटर बुनना सिखाती थी. हाँ, और लड़कियां आकर के जाती थी, ये है कुछ, उनको मिठाई बनाना सिखा देती थी, इस तरीके की चीजें. तो वो गांव घर की बात है, और यहाँ पे कितने लोग बड़ा अच्छा अच्छा बिजनेस उससे निकाल लेते हैं, इवन द सिलाई बुनाई का बिग बिजनेस. तो कहने का मतलब कुछ भी दोस्तों, या देखें कि किस चीज की ज्यादा डिमांड है, उसके बारे में आप कोर्स कर लें, सीख लें, फिर उसको सिखाएं. तो चलिए पहला स्टेप हमारा पूरा होता, ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाते हैं, कि आपके पास कुछ स्किल ऐसी क्लियर हो गई कि ये स्किल हमारे पास है. अब दोस्तों चलिए हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, और दूसरे स्टेप में जाने से पहले, जब जैसा कि मैं हमेशा करता हूं और मुझे अच्छा लगता है, चलिए मैं अपने कुछ दोस्तों के जरा नाम पुकार दूं, जिन लोगों ने मुझे इस मंडे मॉर्निंग में अपना इतना कीमती वक्त दे करके मुझे ज्वाइन किया. और कनाडा में देखिए आज ऑलमोस्ट 11:30 बजे रात में भी मेरे को सुन रहे हैं. तो चलिए
मैं थोड़ा सा उनका नाम अनाउंस करके उनको वेलकम करूँ दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो हैं डॉक्टर संजय कुमार त्यागी जी, थैंक यू वेरी मच। विनय श्रीपद ऑल द वे फ्रॉम यूएस फ्रॉम कैलिफोर्निया, थैंक यू वेरी मच। रमनजीत सिद्धू जी थैंक्स अलॉट। एंड तारसेन संगा साहब थैंक यू वेरी मच। पूनम खार्ब जी थैंक्स अलॉट। ब्रिजेश द्विवेदी जी थैंक यू वेरी मच। जसप्रीत धालीवाल जी थैंक यू वेरी मच। कौशिक दिलावरी साहब थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। मुकुल देसाई जी थैंक यू वेरी मच। ललित गुप्ता जी पता नहीं अभी आप कैनेडा में हैं या श्रीलंका में ही अब पर्यटन कर रहे हैं, चलिए वहाँ पे हैं तो एंजॉय करें, और रास्ते पे हैं तो हैप्पी जर्नी, और आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा वेदर है यहाँ भी एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे एजाज कुरैशी साहब, बहुत अच्छा लगा एजाज साहब आपसे उस दिन फोन में बात करके। एंड यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स, यू हैव रियल कंपैशन टू ह्यूमैनिटी एंड आई रियली लव्ड योर एटीट्यूड एजाज साहब। ऊपर वाला आपको अच्छी सेहत और अच्छी लंबी सी जिंदगी दे एजाज साहब, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीमा शर्मा जी थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। एंड हमारे तुराज अघाय जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत सलाम एजाज साहब, बहुत बहुत सलाम। और हमारे नितिन आनंद जी थैंक यू वेरी मच। विनीता सक्सेना थैंक यू वेरी मच विनीता जी फॉर ज्वाइनिंग। एंड जय पॉल पटेल जी थैंक यू वेरी मच। परमजीत एस ग्रीन साहब थैंक यू वेरी मच। सुजन थागू लुयान थैंक यू वेरी मच। मानजी मिश्रा जी थैंक यू वेरी मच। के एम आटा हमारे खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। एंड मन बाबू रहमान जी थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र कुमार लूथरा जी थैंक्स आट। कमल अनवर कुरैशी मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। रिंकी मिश्रा माई वाइफ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। विष्णु जोशी जी थैंक यू वेरी मच। बिल्ला शर्मा जी थैंक यू वेरी मच, फर्स्ट टाइम यू आर ज्वाइनिंग। जगत पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। नजीब रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। औरंगजेब चिपा जी थैंक्स अलॉट। देव कपिल जी थैंक यू वेरी मच। नीला काश जी थैंक्स अलॉट। जीतू सिंह जी थैंक यू। अल्ताफ मान जी थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, तो चलिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा जल्दी से टॉपिक को रिपीट कर देता हूँ। आज का टॉपिक दोस्तों है मनी अट्रैक्ट्स मनी, जो हम बोलते थे दैट इज अ मिथ नॉट ट्रू एनी मोर दोस्तों। तो मैं पांच स्टेप में बता रहा हूँ कि एनी बडी कैन अट्रैक्ट मनी। जैसा कि मैंने ब्रीफ किया कि आज की डेट पे आपके पास पैसा कमाने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, मैंने ब्रीफ किया, आप इसको सुन सकते हैं स्टार्टिंग से, बहुत कुछ डिटेल मैंने बताया हुआ। चलिए दूसरे स्टेप पे आते हैं। तो पांच स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, कि आप डेटा बेस बना लें अपने स्किल सेट का। स्किल सेट आपके क्या है, कौन से ऐसे स्किल सेट आपके पास जिससे दूसरों के आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर कोई ऐसी स्किल्स नहीं हो तो लर्न कर सकते हैं। मैंने lynda.com udemy.com एंड मेनी मोर वेबसाइट्स आर अवेलेबल वेयर यू कैन लर्न और फाइंड सम फ्रेंड अ पर्सन हु हैज दैट स्किल एंड यू कैन आस्क हिम टू टीच यू। एनीवे so first step is ready, you are equipped with some skills. second आते हैं दोस्तों, अब क्या करें दोस्तों कि आपके पास स्किल सेट आ गया, आपके पास ये मालूम कि इन स्किल सेट से क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करें कि आप अपने सर्किल में, अपने गांव में, शहर में, कंट्री में, जहां पे भी एक आदमी, लड़की, लड़का, औरत, मर्द, कोई भी एक आदमी, एक पर्सन आप पकड़ें और उसकी आप हेल्प करें, उस प्रॉब्लम की अच्छे तरीके से हेल्प करें कि उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप उसकी जो फीलिंग्स है उसको चाहे तो आप कवर करें वीडियो में, ऑडियो में, टेक्स्ट में, कि वो अपना शेयर करे कि आपकी, आपने कैसे उसकी हेल्प की, कितना उसको फायदा हुआ। इसी तरीके से अब वो क्या करें, उसको बोलें कि आप हमें फीस नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को रिकमेंड कर सकते हैं उसको बोलने के लिए, किसी और को बता सकते हैं कि अरे राकेश जी ने या रहमान साहब ने या एजाज भाई ने इस बंदे की ऐसी हेल्प की। तो क्या हुआ कि वर्ड ऑफ माउथ, अब आपका नाम धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर क्या करें, दूसरे की हेल्प करें, फिर तीसरे की हेल्प करें, चौथे महीने, दो महीने, तीन महीने दोस्तों आप हेल्प करें दिल खोल के कि चलिए कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं मिला तो क्या हुआ। और दो क्या होगा कि दो चार महीने बाद फिर आपका नाम ऐसे से बढ़ेगा, एक दूसरे से वर्ड ऑफ माउथ से उनको आपसे फायदा हो रहा है। नाउ स्लोली स्लोली यू स्टार्ट चार्जिंग दोस्तों। अब क्या किया आपने, अब चार्ज करना शुरू किया। वो $10 घंटे हो सकता है, $100 घंटे। पैसे के बारे में शुरू में मत सोचे दोस्तों, पैसा तो आएगा, पहले अपनी लाइकेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी आप बढ़ाएं, पैसा तो बहुत आएगा, उसकी आप चिंता ही नहीं करें दोस्तों। तो ये रहा आपका दूसरा स्टेप, कि
आप जो स्किल्स सीखे उनको अप्लाई करके दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें, एक की, दो की, पांच की, दस की, बीस की, और उनसे बस यही बोलें जब वो शुक्रिया आपका अदा करें कि शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये किसी और चीज को, किसी और पर्सन को आप मुझे रिकमेंड करें जिसकी कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों तीसरे पे आता हूँ। क्या तो जो तीसरा स्टेप है, वो तीसरा स्टेप दोस्तों ये है कि अब आप क्या करें धीरे धीरे कि अब इसको थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि आउट ऑफ 7.5 बिलियन पीपल देर आर 4.5 बिलियन पीपल कनेक्टेड विद सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, तो अब आप क्या करें कि आप सोशल मीडिया और इंटरनेट का थोड़ा यूज करें। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक का पेज बना सकते हैं, फेसबुक में ग्रुप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, यूट्यूब में चैनल बना सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कोई क्या कहते हैं बिजनेस या टीचिंग उस लाइन में है, आप लिंक्डइन में जाकर के अपना बिजनेस पेज बना सकते हैं या प्रोफाइल बना सकते हैं, और उसमें धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं कि लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वही हेल्प जो आप ऑफलाइन कर रहे थे, वही जो टिप्स हैं सीधे सीधे आप जाकर के उन प्लेटफॉर्म में शुरू कर सकते हैं राइटिंग करके। देखो चार ही बोर्ड होते हैं दोस्तों आज की डेट पे अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, और वीडियो में आपसे ऑडियो में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करें कि वही जो स्किल जो आपने ऑफलाइन लोगों की हेल्प की, अब धीरे धीरे वही बिल्कुल कैसे हेल्प किए सारे आप जाकर के आप उनको पोस्ट करें, फेसबुक में हो सकता है, लिंक्डइन में हो सकता है, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो लोगों ने आपको टेस्टिमोनियल दिए हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो वीडियो, उनको भी वहां अटैच करें। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे दोस्तों कि तो सोशल मीडिया में एक बार लोगों को अच्छा लगने लगेगा, देन इट गोज लाइक वाइल्ड फायर, वो आपके अपने दूसरे ग्रुप में शेयर करेंगे, ये करेंगे, धीरे धीरे आप बहुत तेजी के साथ बढ़ोगे दोस्तों। और उससे क्या होगा कि अब धीरे धीरे आपके सितारे चमकने लगेंगे, और आप कह सकते हो कि पैसा ही केवल पैसे को खींचता है, ये मिथ्या है, ये मिथ है, ये गलत है, ये सही नहीं है, कोई भी पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों वो रहा स्टेप 3। अब क्या है कि अब स्टेप 4 पे आ रहे हैं। अब धीरे धीरे स्टेप 4 क्या है कि अब धीरे धीरे आप क्या करें, आप धीरे धीरे नाउ ट्राई टू गो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। हाँ दोस्तों, अब वो कैसे होगा लोकल से ग्लोबल, अब धीरे धीरे उन्हीं के आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको रिकॉर्ड करें। जैसे लोगों को आप बोलते हैं ना, तो आप सपोज कि किसी को समझा रहे हैं कोई प्रॉब्लम के बारे में, उसको रिकॉर्ड करें और उसी का एक ऑडियो फाइल बना लें, 3 ऑडियो फाइल बना दी किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए, अब वो आपकी ऑनलाइन हो गई, एक तरीके से आपका वो कोर्स बन गया। इस तरीके से वीडियो से भी बना सकते हैं, या एक बुकलेट फॉर्म में लिख सकते हैं, या पेजेस के भी एक पीडीएफ के फॉर्म में बना सकते हैं। तो धीरे धीरे आप क्या करें दोस्तों, लोकल से ग्लोबल में जाएं, इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज करें और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। या तो नंबर 5 अब क्या होगा दोस्तों, कि स्टेप जो 5 है, अब स्टेप 5 में अब आप क्या करें, अब इसके पूरा टेक फुल एडवांटेज ऑफ आउट ऑटोमेशन एंड आउटसोर्सिंग। तो 5 स्टेप में दोस्तों क्या होगा कि अब आप कोर्सेज क्रिएट करेंगे, आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और उसके बाद आपकी वेबसाइट में लोग जाएंगे, और आप फेसबुक में एडवर्टीजमेंट दोगे, इंस्टाग्राम में एडवर्टीजमेंट दोगे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करोगे, और वो एडवर्टाइज करके लोग क्लिक करेंगे, उनको आप कुछ दोगे फ्री में, उसके बाद आपके कोर्सेज खरीदेंगे, और सब कुछ अब थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग हो गई। जब मैं आउटसोर्सिंग की बात करता हूं दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ अमेरिका में आज स्टैंडर्ड, इंडिया में भी वही कह सकते हैं कि $1 मिलियन साल के बनाने के लिए आपको कोई इंप्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, कहां भी बैठे हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी हो दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, फिलीपीन में आज की डेट पे क्या है कि फिलीपीन में कि आप $500-600 महीने के दे करके 9 to 5 पूरे महीने आपके पास 20-21 दिन जो भी होते हैं मंडे टू फ्राइडे वो लड़की आपके लिए काम करेगी, दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश, दे आर वेरी गुड इन दैट स्किल सेट, और वो आपकी हेल्प कर सकती है आपके प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट और आपको सपोर्ट देने में, वो जिनको कि हम वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं, वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, अलग अलग कामों के लिए। स्टिल तो इंडिया के हिसाब से अराउंड 5 to 6 crore साल के बनाना इज नॉट ए बिग डील लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू फॉलो, थोड़ा सा टाइम दो, तुरंत सब लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, उससे थोड़ा दूर रहो, थोड़ा वक्त दो, और दोस्तों सब कुछ आपके पास में आएगा। तो ये रहा दोस्तों 5वां
पांचवा स्टेप, या तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके पांच स्टेप हैं। और उसमें क्या होता है कि कोई भी क्या कह सकते हैं कि ये पैसा कमा सकता है। एक बोनस स्टेप देता हूं आपको, जब ये कोई एक बिजनेस आपका बन जाए, इतना पैसा आना लगे। दोस्तों ये ह्यूमन नेचर होती है, शुरू शुरू में जब आपके पास 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिए आप थोड़ा परेशान होते हो, लेकिन अचानक जब 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ साल के आने लगते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आदमी बोर होने लगता है। अरे क्या यार, अब तो पैसे भी आने लगे, क्या हो गया आपका, आपका घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, अब क्या। तो हमेशा क्या है, दूसरे लेवल पे, तो अब क्या करें। बेस्ट तरीका क्या है कि अपने डोंट ट्राई टू बिकम बेसिकली प्रिजनर ऑफ योर रेज्यूमे। क्या मतलब कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया, जरूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करें, या आपने यू नो अकाउंटिंग पढ़ी है, तो कोई बात नहीं, उम्र है, बहुत लंबी उम्र है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जो आपने पढ़ाई की उसको बिल्कुल भूल जाएं, किसी नई चीज पे निकल पड़े। एक हमारे नवीन जैन साहब हैं, और नवीन जैन का आपने नाम सुना होगा, ये स्पेस में हैं, और अभी ये वायोम करके ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाले हैं, जरा पढ़ना इनके बारे में, नवीन जैन वायोम, VIOME नवीन जैन, जरा इनके बारे में पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसने इतना बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है कि वो आपके घर में भेज देंगे, आप पूरा टेस्ट करेंगे अपने ऊपर, तो बता देंगे कि आपको कौन सी न्यूट्रिशन क्या है। एनीवे इसके बारे में ज्यादा भी नहीं जाऊंगा, वक्त उतना ही लूंगा, लेकिन दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं कि आपको किसी भी एक चीज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू बिकम प्रिजनर ऑफ योर रेज्यूमे कि हमने इसमें बीए किया, इसमें बीएससी, किसमें इंजीनियरिंग की, इसमें ये डिग्री ली, तो उसी में जॉब करना। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। समय के साथ साथ आपके इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया हूं। तो दोस्तों पांच स्टेप हो गए जल्दी से क्विकली। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप कि अपने स्किल सेट को आप रिव्यू करें, स्किल सेट क्या है, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं स्किल्स कोर्सेज करके लोगों से मिलके। दूसरा क्या है कि आप क्या करें कि एक आदमी को पकड़ें जिसकी कि आप हेल्प करें, उसको सोल्यूशन दें, फिर दूसरे पकड़ें, तीसरे पकड़ें, इस तरह से लोगों की हेल्प करें, और जब उनके सोल्यूशन उनको मिल जाए उनसे टेस्टिमोनियल्स लें, चाहे वो ऑडियो में हो, टेक्स्ट में हो, वीडियो में हो, उनको रखें आप। और तीसरा आप धीरे धीरे क्या करें कि आप अपना सोशल मीडिया और इंटरनेट को यूज करें, ग्रुप्स बनाएं, उनमें शेयर करें, अब आपका धीरे धीरे नाम पॉपुलर होगा। चौथे स्टेप में क्या करें, नाउ गो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल बाय क्रिएटिंग द कोर्सेज एंड क्रिएटिंग द वेबसाइट, और उसके थ्रू आगे जाएं। और पांचवें स्टेप पे आप क्या करें कि अब इसमें ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग का आप कॉन्सेप्ट यूज करें, और उसके लिए आप हायर कर सकते हैं फिलिपाइन में स्टडी और अपने लड़के लड़कियों को, और वो बहुत अच्छा आपका इकोनॉमिकल पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। फॉर दैट मैटर यू कैन हायर इन इंडिया एनी अदर कंट्री, लेकिन जहां पे मैं अपने वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता हूं, तो और नॉट ओनली दैट, देयर आर सो मेनी अदर आउटसोर्सिंग लाइक fiverr.com, upwork.com, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों और आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि वो कहने के लिए अरे भाई पैसे को पैसा खींचता उतना, कोई आपके पैसे की शुरुआत करने के लिए बिजनेस जरूरी नहीं है। सब केवल यू नीड ओनली लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड दैट्स इट। इन सम केसेस इवन यू डोंट नीड दैट, जस्ट योर स्मार्टफोन इज एनफ। एंड द बोनस हमने बताया भी, बताया नहीं, बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो बोनस आइटम एक क्या है कि बोनस आइटम ये है कि एक बार ये बिजनेस आपका बन गया और आप अच्छा पैसा भी कमाने लगे, अब आप क्या करें, मे बी टाइम इज, जैसे मैंने बताया कि एक बार अच्छा पैसा बनने लगता है, बिजनेस चलने लगता है, तो आप बोर हो जाते हो, अरे क्या यार वही, तब क्या करो, दिस माइट बी द टाइम टू सेल दैट बिजनेस, सेल दैट वेबसाइट, सेल दैट ऑपरेशन एंड जंप इनटू समथिंग एल्स। दोस्तों तो ये हो गया, बिजनेस को ही बेच दें, दैट इज अ बोनस आइटम। तो दोस्तों अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इसको शेयर करें, आप अपने कमेंट लिखें, और कुछ भी इसमें अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी आपके आइडियाज को लेकर के, लेकिन बहुत खुशी होगी अगर आप इसको आप शेयर करें अपने फेसबुक की लाइन में, कि आप शेयर करेंगे, मेरा भी क्या होता है, एक तरीके से प्रचार होता है, नाम होता है, आई एम सेल्फिश इंटुइटिव, सब इसी के लिए कर रहे हैं कि अच्छा लगता है कि दूसरों की, एक दूसरे की। आज के डेट में दोस्तों क्या हुआ कि आप पैसे से कितनी हेल्प कर सकते हैं, कितना पैसा आपके पास होगा, लेकिन आप आइडिया से, आप आइडिया स्प्रेड करें दूसरे किसी की भी, वो बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। शायद आप बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, मालूम होगा कि माय मिशन व्हिच आई स्टार्टेड अराउंड 2 इयर्स बैक, आई वांट टू बिकम अ बिलियनेयर, डॉलर में नहीं दोस्तों, लोगों में, आई वांट टू रीच आउट टू बिलियन पीपल टू हेल्प देम इन सम वे बिफोर माय लास्ट ब्रेथ। तो दोस्तों आपका सहयोग चाहिए मुझे उन बिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए, तो आप अगर शेयर करेंगे कुछ भी अच्छा लगता हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर कुछ आप टॉपिक इसमें ऐड करना चाहें जिसको कि मैं नेक्स्ट अपने सेशन में ऐड करूं, तो भी मैं कर सकता हूं, कोशिश करूंगा, तो जरूर अपने सुझाव भेजें।
तो बस इन्हीं शब्दों के साथ, जैसे कि मैं दो बार नाम लेता हूं अपने दोस्तों का, एक बार जल्दी से अपने उन प्यारे दोस्तों का नाम फिर से ले लूं जिन्होंने मुझे इतनी दूर से और इतना अर्ली मॉर्निंग इंडिया से, इतनी लेट ऑलमोस्ट मिडनाइट यहां पे कनाडा में या यूएस में या और कंट्री से ज्वाइन किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जल्दी से नाम ले लेता हूँ, कोई श्री मिस्टर जय लगाए बिना हुआ, केवल नाम लेता हूँ जल्दी से। बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर संजय कुमार, दिनेश श्रीपद, रमनजीत सिद्धू जी, तारसेन संगासा, पूनम खरब जी, ब्रजेश द्विवेदी जी, और हमारे जसप्रीत धालीवाल साहब भी आ गए। कौशिक दिलारवी साहब तो बहुत पहले से आए हुए हैं। मुकुल देसाई जी आप भी आ गए। ललित गुप्ता जी, एजाज कुरेशी साहब, और हमारे सीमा खन्ना जी, और हमारे तोराजे अघाई जी, एंड देन नीतीश आनंद, विनीता सक्सेना, जय पटेल, परमजीत, यस ग्रीन, सुशांत, there are some English, I mean English speaking, so I'm really sorry, this is not sorry exactly, this program is for English, Hindi is my mother tongue, my national language, and English of course in Canada, so बहुत खुशी होती है जब हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलता हूँ, इसलिए English motivation show है दोस्तों, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में बोलता हूँ, और इसलिए केवल इंग्लिश अगर आप समझ रहे होंगे तो आप उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सेम टाइम बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और मांझी मिश्रा जी, के माता हमारे खालिद साहब, एंड देन महबूबुर रहमान, महबूबुर रहमान, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग योर नेम इफ नॉट करेक्टली, सुरेंद्र कुमार लूथरा जी, थैंक यू वेरी मच, कमल अनवर कुरेशी साहब, रिंकी मिश्रा माय वाइफ, विष्णु जोशी जी, बिल्ला शर्मा जी, जगत पटेल जी, नजीब रहमान जी, औरंगजेब चिप्पा जी, दविल कपिल जी, नीला काश जी, जीतू सिंह जी, अल्ताफ मांझी जी, अल्पा शाह जी, रजनीश त्यागी जी, जयमीन ठक्कर जी, आशीष मिश्रा हमारे सारे सब, और अनिल चावला जी, थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं शब्दों के साथ ही आपका दोस्त राकेश मिश्रा आपसे 12,000 किलोमीटर दूर यहाँ टोरंटो में अपने लिविंग रूम से आपको इनविजिबल सल्यूट करता है, और इस वादे के साथ कि अगले सोमवार को फिर हमसे आपसे इंडियन टाइम 8 to 8:30 मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, होप आई वॉज एबल टू एड लिटिल वैल्यू इन यू, और आप अपने जरूर अपने विचार भेजें, अपने कमेंट्स भेजें, इफ़ यू लाइक टू ऐड सम ऑफ द टॉपिक, बाकी तो मैं कोई ना कोई टॉपिक दोस्तों निकाल ही लेता हूँ। तो ठीक है, आज बोलिएगा अपने आप से कि मनी ओनली अट्रैक्ट मनी, कहने मतलब केवल रिच लोग ही पैसा बनाते हैं, रिच रिच हो रहा है, गरीब गरीब, ऐसी बात दोस्तों नहीं है, कोई भी पैसा बना सकता है। ये 5 स्टेप्स हैं, बैठ जाएं पेपर पे और जरा इन पे ध्यान दें दोस्तों, बहुत दूसरी दुनिया में आप आ गए हैं। कोशिश करें जैसे कि ऊबर ने औरों की कारों को यूज़ करके अपना मल्टी बिलियन का बिजनेस खड़ा कर लिया, एयरबीएन बी ने औरों के रूम और घर लेकर के मल्टी बिलियन का बिजनेस खड़ा कर लिया। इसी तरीके से दोस्त आप क्या करें कि औरों के, जिनको कि अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, तो ट्राई टू यूज़ अदर पीपल्स रिसोर्सेज, अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स ऑडियंस, अदर पीपल्स प्लेटफॉर्म, अदर पीपल्स स्किल्स, अदर पीपल्स रिसोर्सेज, अदर पीपल्स रेफरेंसेस, अदर पीपल्स कनेक्शंस। सो दोस्तों बहुत आसान है, ध्यान रखना, जिस तरीके से एक गर्लफ्रेंड एट टाइम पे, यू नीड ओनली वन, एक वाइफ या एक जॉब, इसी तरीके से दोस्तों ध्यान रहे कि एक स्किल ही आपको बहुत कुछ कर सकती है। वो दिन गए दोस्तों, 9 to 5 करना आज की डेट पे इज नॉट अ वाइज ऑप्शन टुडे, बिकॉज होता क्या है, इतना स्ट्रेस हो रहा है दोस्तों मार्केट में। एक देवी शेट्टी डॉक्टर हैं, उनका पढ़ रहा था आर्टिकल, 30-30 साल के लड़के आज की डेट में हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं बेंगलोर या बड़े बड़े आईटी कंपनीज में, इतना स्ट्रेस हो चुका है। तो दोस्तों अपने हेल्थ को कंप्रोमाइज करके ये पैसा कमाना कोई बेवकूफ़ी नहीं होगी, सॉरी कोई क्या कहते हैं कि बुद्धिमानी नहीं होगी। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा मेरी वर्डिंग के लिए, और चलिए
खैर अब मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर दूसरे टॉपिक पे चला जाऊंगा, तो दोस्तों जरूर सुनिएगा फिर से। तो आज मैंने 5 स्टेप आपको बताया कि कोई भी पैसा खींच सकता है। वो जो कहावत पहली वो मिथ थी कि पैसा पैसे को खींचता है, केवल अमीर लोग ही अमीर बन रहे हैं, गरीब गरीब हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, गरीब भी अमीर बन सकता है अगर आप 5 स्टेप फॉलो करें। जैसा कि मैंने बताया, यू नीड ओनली लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन टू मेक योर रियली गुड फॉर्चून, इन सम केसेस इवन स्मार्टफोन इज एनफ। सो विद दैट योर इनविजिबल सल्यूट टू यू, और ये राकेश मिश्रा आपका दोस्त आपसे ये वादा लेता है कि अगले सोमवार को हम फिर मिलेंगे 8 बजे, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, एंजॉय योर वीक अहेड एंड डू सम वंडरफुल थिंग्स एंड फाइंड 1 आवर टाइम, टेक पेन एंड पेपर, लिसन दिस एंड गो थ्रू दोज 5 स्टेप्स एंड क्रिएट समथिंग। मैं नहीं बोलता हूँ आप अपनी जॉब छोड़ें, अपना करंट बिजनेस छोड़ें, लेकिन एक साइड में कोई दूसरा हो सकता है जिसमें आपका पैशन रहा हो, उसमें कुछ करने की करें। तो हमारे 3 लोगों ने फिर से हमें ज्वाइन किया है बाद में, हमारे वरिंदर रंधावा जी, सुरेश पांडे जी और क्या कहते हैं संतोष तिवारी जी। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब आपका दोस्त राकेश आपसे ज्यादा चाहता है इस वादे के साथ कि अगले मंडे को 8 बजे फिर से मिलेंगे, और हमारे सारी लहंगा और सुशील सूट्स एंड सारी लहंगा, मैं सोच रहा था नाम, चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम फिर से मिलेंगे अगले मंडे को, और ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। बाकी हमारे पास्ट के जो 23-24 प्रोग्राम है सारों के मैं यूट्यूब चैनल के लिंक साथ में अटैच कर देता हूं, तो कोई भी मेरे प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आपको सारी खुशियां अच्छी तरीके से मिले और जिंदगी मस्त रहे, खूब भी को एंजॉय करो, हर दिन जबरदस्ती खुशहाली के साथ में बीते। बाय बाय, यू टेक केयर।